आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल से आपको पता चल ही गया कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्राम क्षेत्र, यानी कि ग्राम पंचायत क्षेत्र तो कितने स्तर पे होते हैं। तो पहले हम देखते हैं ग्राम पंचायत स्तर हो गया, एक हो गया प्रखंड लेवल, एक हो गया आपका जिला लेवल, तो उसी बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के सदस्य नीचे से हम लोग ऊपर तक जाते हुए देखेंगे, तो सबसे नीचे होते हैं आपके वार्ड सदस्य और वार्ड पंच, दोनों होते हैं। इन दोनों का कार्य होता है गांव में जो किसी का झगड़ा लगा है उसकी पंचायत का देखरेख करना, अगर उसके ऊपर होते हैं सरपंच, यानी कि इससे नीचे होते हैं। तो सबसे इसके ऊपर हो गए सरपंच। सरपंच के नाम मजबूती पर ही ये लोग अपने काम करते हैं और ये लोग अपने वार्ड के मेंबर होते हैं, वार्ड के एक सदस्य होते हैं। और इससे ऊपर होते हैं सरपंच। सरपंच का काम वही है ग्राम को न्याय देखना, न्याय का कार्य होता है उसका। फिर आता है मुखिया, यानी कि पंचायत का आपका सबसे हेड अगर कोई होता है तो वो होता है मुखिया। मुखिया के ऊपर आपका वीडियो होता है, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जो इसे ग्राम सेवक भी हम लोग कहते हैं। तो इसी के इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसी तरह फ्लो है आपका, चेंज देख सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं प्रखंड स्तर पर, यानी कि ब्लॉक। तो ब्लॉक का जो उसके अगर सबसे अगर निचले पद पर अगर ब्लॉक का सबसे करीबी कोई होता है ग्राम पंचायत से रिलेटेड, तो वो होता है पंचायत समिति। जो पंचायत समिति चुनाव होता है, इलेक्टेड होता है, उसके ऊपर कोई होता है प्रमुख। तो प्रमुख की नियुक्ति होता है पंचायत समिति, यानी कि 10-12 पंचायत समिति जीतते हैं, उसी में किसी एक को चुनकर प्रमुख बनाया जाता है। और प्रमुख से ऊपर कोई होता है तो वो होता है BDO, यानी कि ब्लॉक डेवलप ऑफिसर, जो BDO साहब होता है। इसकी नियुक्ति भी BPSC की थ्रू होती है। और हम लोग लास्ट में बात करते हैं जिला, यानी कि डिस्ट्रिक्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद, यानी कि आपको एक ब्लॉक में एक जिला परिषद होते हैं, और उस जिला परिषद के ऊपर जिला तक नियुक्ति अगर इस तरह से चेन अब देखा जाए तो इसी तरह आपको फ्लो होता है। यानी कोई भी फंड आए तो सबसे पहले जिला परिषद हो गए, BDO साहब हो गए, BDO हो गए, इसी तरह फ्लो बनते, इसी तरह ग्राम तक आपको कोई भी काम होता है तो किया जाता है। फिर होगा जिला परिषद। जिला परिषद के ऊपर होते हैं आपको अध्यक्ष, जिसे हम चेयरमैन भी कहते हैं। तो यानी कि 10 जिला परिषद, 12 जिला परिषद होते हैं, उसी में से कोई एक चेयरमैन बनते हैं, उसके अध्यक्ष बनते हैं। और उसके ऊपर होता है यानी कि CEO, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये भी आपकी नियुक्ति BPSC की तरह ही होती है, BPSC के थ्रू ही होती है। तो दोस्तों कुछ पॉइंट हम एग्जाम के थ्रू देख ले, तो यानी कि ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की बात करिए तो ये संविधान के आर्टिकल किस में है, तो ये आर्टिकल 243 में है। इसमें आपको पंचायत की परिभाषा देखिए, संविधान में अगर सबसे पहले पंचायत बात की चर्चा की थी, पंचायत की चर्चा महात्मा गांधी जी ने की थी, जो संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान जब बना था। और हम लोग बात करें कि ग्राम पंचायत किस है, तो आर्टिकल आपको 243 के क, यह ग्राम पंचायत की चर्चा इसमें किया गया, इसमें पंचायत, इसमें ग्राम पंचायत। ये एग्जाम अक्सर पूछे जाते हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। फिर हम लोग बात करें ग्राम पंचायत सभा, यानी कि आपको 243 का इसमें क और इसमें ख, ये ग्राम पंचायत का गठन है, ग्राम पंचायत का इसमें गठन किया गया। तो ये आर्टिकल आप इम्पोर्टेंट देख सकते हैं। और पंचायत की बात करें सबसे डीप में चला जाए तो पंचायत आपको त्रिस्तरीय बलवंत राय समिति से दिया गया था। पंचायत का सबसे पहले गठन की बात करें, पंचायत सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो आपको राजस्थान के नागौर में हुआ था, यानी कि राजस्थान के जिला नागौर में, नागौर गांव था, उसमें आपको पंचायत को सबसे पहले 1959 ईस्वी में लागू किया था। यानी कि सबसे पहले पंचायत आपको राजस्थान के नागौर में 1959 में लाया गया था, जो बलवंत राय मेहता, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत समिति। पंचायत समिति 2 स्तरीय भी बनाया गया था, जो अशोक मेहता ने बनाया था, तो वो पंचायत उतना फॉलो नहीं किया, उतना नहीं बन पाया। तो पंचायत आपको त्रिस्तरीय बलवंत राय समिति एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, वो देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ग्राम पंचायत क्षेत्र से जितनी भी मुख्य बातें वो हमने शेयर की और आपको बताया। अब इसमें भी कोई कन्फ्यूजन आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर अभी तक नया है तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।